भगत सिंह जयंती के उपलक्ष्य पे आज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की पूरी टीम जो है उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था द वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट की जो बुक है उसे लॉन्च करना, और साथ ही सीआईएम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीसीएपी के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना। लेकिन आज कई ऐसी चीज़ें जो डीआईपी डाइट के बारे में लोगों को नहीं जानकारी थी उसके बारे में बताया गया है। ये जो आप चारों तरफ एरिया देख रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं, ये एलटीजी ऑडिटोरियम है, और यहीं पर तकरीबन सुबह 10:30 बजे से ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और यहाँ पर आचार्य मनीष, साथ ही डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, श्रीधर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एंड तमाम और लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं सीसीएपी के, वो सभी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑडिटोरियम है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डीआईपी राइट के बारे में क्या जानकारी देने वाले हैं, इसके बारे में आज हम उनसे जानकारी लेंगे। और आखिर क्या वो नई चीज़ होगी जो उस किताब में लिखी होगी, क्योंकि डाइट डीआईपी डाइट के बारे में हर एक व्यक्ति को सारी चीज़ें पता है, लेकिन 7 तरीके की वो कौन सी डाइट है जो अलग अलग प्रॉब्लम्स के जो पेशेंट्स हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती है, उस पर आज जानकारी लेंगे। तो चलिए, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और इस खास जयंती पर, जैसे हम देख रहे हैं कि भगत सिंह जयंती पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो इसके पीछे कोई खास मकसद? देखिए, भगत सिंह ने देश को अंग्रेजी की गुलामी से आज़ादी दिलवाई, लेकिन एक आज़ादी हमें लेनी बाकी है अंग्रेजी दवाई के गुलामी से। तो उसके लिए चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, या मेडिकल इमरजेंसी हो कोई, उन सब में क्या करें घर बैठे ताकि हम अपना इलाज कर पाएँ। तो उस सोच के साथ ये किताब हमने आज रिलीज़ की, वर्ल्ड्स बेस्ट द डीआईपी डाइट। और इसमें एविडेंस बेस्ड कंपेरेबल है कि एक पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आएगा तो क्या करना चाहिए लिखा हुआ है, और क्या नहीं करना चाहिए, एक्चुअली वही आज कर रहा है वो। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग बीमारी वाइज देर आर 7 टाइप ऑफ डीआईपी डाइट। जो लोग मुझे सुन रहे हैं अब तक, उनको सिर्फ एक स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट पता था, जो पता था वो स्टैंडर्ड डीआईपी डाइट है। इसके 7 प्रकार है जो अपने हॉस्पिटल में हम पेशेंट को कैटेगराइज करके देते हैं, वो 7 प्रकार इस किताब के अंदर है। उस प्रकार को समझने के लिए गेम भी है जो आज के इवेंट में हुआ भी, राइट, 7 हाउसेज ऑफ डीआईपी डाइट। और इस गेम को आसानी से समझाने के लिए दीवार मूवी का हमने सहारा लिया है, विजय और रवि की कहानी का, राइट। तो इस तरह से खेल खेल में साइंटिफिक चीज़ों को लोगों को सिखाना है, तो उस उम्मीद के साथ कि वो आसानी से समझ जाएंगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और अंग्रेजों के जो दवाइयां हैं उनकी गुलामी से बाहर निकल पाएंगे, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, डायलिसिस हो, इंसुलिन हो, सर्जरी हो, डायग्नोस्टिक्स हो, तो उसकी एविडेंसेस इसमें है। ठीक है, आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल्स जाती हूँ, हिम्स हॉस्पिटल में जाती हूँ, पेशेंट से बात करते हैं, तो पेशेंट्स का कहना रहता है कि एक तरीके की डाइट होती है, ऐसा क्यों होता है? उनमें देखिए 90% या 70% एक ही तरह के, हमारे 70% पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज के आते हैं, तो जाहिर सी बात है उन सबका डाइट एक ही होगा। कोई ऑटोइम्यून का डिजीज के पेशेंट आएंगे जो कि बहुत थोड़े आते हैं, तो उनका डाइट अलग होता है। कोई ओरल कैंसर का पेशेंट होगा तो सॉफ्ट डीआईपी डाइट देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट डाइट। कोई लीवर का पेशेंट आएगा तो उसको सर्कैडियन डाइट देते हैं, लेकिन उनके पेशेंट 5% आते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर किडनी के पेशेंट आते हैं, तो उनका जो डाइट है वो उस तरह का पेशेंट का सिमिलर ही होगा, लेकिन टोटल पेशेंट्स को 7ों में से कोई ना कोई एक डाइट देते हैं, और फिर कभी कभी उसको बदल बदल के भी देते हैं। ठीक है। और 3 डेज जो क्योर एट द रेट होम है, उसका क्या इफेक्ट है लोगों के ऊपर? 3 डेज में जो आते हैं तब भी हम उनके आने से पहले उनके सिम्टम के आधार पे 7ों में से कौन सा डाइट देना चाहिए वो पहले से निर्धारित करते हैं हम, और उसका इम्पैक्ट आपने देखा, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या हार्ट डिजीज़ हो, या जॉइंट पेन हो, या इंसोमनिया हो, ये सारे तो बड़े आराम से 3 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ देम आर एबल टू रिकवर। ठीक है। और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको क्या लगता है ये किस तरीके का प्रभाव छोड़ने वाला है लोगों के मस्तिष्क पे? लोगों को ये समझ आएगा कि एक ही तरीका है जिंदा रहने का कि एलोपैथी से दूर भागें, और नेचुरल तरीका जो है उसको अपनाएं। उसके एविडेंस सारे इसमें हैं, एविडेंस लोगों के हाथ में आज, जो आज से पहले कम थे या नहीं थे, और एक सिंपल भाषा में है, एक गेम के फॉर्म में है। तो आपने जैसे बुक लिखी है, तो इस दौरान कोई चैलेंजेस होंगे उसके बारे में आप बताएंगे? चैलेंजेस तो इट इज़ ओवरऑल, ये देखिए 14 साल पहले डीआईपी डाइट में लॉन्च किया, किताब आ जाई है, तो 14 साल के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन कलेक्ट करते गए, कलेक्ट करने के बाद फिर ये किताब बन गई उसकी।
तो कोई चैलेंज नहीं आया, चैलेंज ये लाया कि हमने डेटा इकट्ठा किया विच टुक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, अभी तक तो जैसे हमने वर्ल्ड्स बेस्ट डीआईपी डाइट की एक बुक देखी है, इसके अलावा आप कितनी बुक लिख चुके हैं? 32 बुक्स और हैं, 33rd है। इससे 33rd बुक है ये। तो ये बुक्स कैसे लोगों को कनेक्ट कर रही है? ये बुक हाँ कैसे लोगों को कनेक्ट कर रही है, क्या वैल्यू दे रही है? देखिए, जो भी इंसान मुझे सुन रहे हैं, अगर वो बीमार हैं तो आप ठीक हो सकते हैं। ठीक होने का तरीका इसमें है, प्रूवन तरीका है, पिछले 14 साल से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या तो आप यूज़ कर रहे हैं या आपके जान पहचान में किसी ने यूज़ किया होगा, सो यू नो ऑलरेडी दैट इट वर्क्स। और जो लोग डीआईपी डाइट सीखना चाहते हैं, आपसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे जुड़ेंगे? आप bishwaroop.com इसमें जाएंगे तो जो एक हमारा बेसिक ट्रेनिंग है 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, उससे जुड़ सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है मुझसे जुड़ने का या इन टेक्निक से जुड़ने का। ठीक है, और जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस अभी चल रहा था वो किस चीज़ का था? वो इन्हीं जो पास आउट हमारे CIM के स्टूडेंट हैं, तो वो कैसे सीख सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? वो इसी कोर्स से जो मैंने वेबसाइट बताया ना, उसी से। अच्छा, उसी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।